हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं सब लोग? तो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे अर्थशास्त्र के पेपर के बारे में। मैं आपको बताता चलूं कि ये जो पेपर है, इसी सत्र का पेपर है और क्लास 11th का है, आपको दिख रहा होगा ऑन द स्क्रीन। समय हमारे पास 3 घंटे है और पूर्णांक 100 नंबर का है। बात की जाए नोट की, तो नोट में कहा है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमें कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, वो चाहे ऑब्जेक्टिव हो, अति लघु हो या फिर लघु उत्तरीय प्रश्न हो। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न की, जिसके लिए प्रत्येक प्रश्न का एक अंक निर्धारित किया गया है। अगर आप एक सवाल सही करते हो तो आपको एक नंबर दिया जाएगा, अगर सवाल गलत करते हो तब आपका एक नंबर काट लिया जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि सांख्यिकी के पिता कहे जाते हैं। ऑप्शन हमारे पास 4 हैं, बाउले, एकेनवॉल, फिशर और जी बोडिंगटन। तो सही आंसर होगा इसका फिशर। उसके बाद बात करेंगे प्राथमिक आंकड़े होते हैं। तो प्राथमिक आंकड़े वे आंकड़े होते हैं जो अनुसंधान द्वारा एकत्रित किए जाते हैं। इसका ऑप्शन होगा ए सही। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीन कहता है कि आंकड़ों का चित्र में प्रदर्शन क्या कहलाता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। अगर आपको सही आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल आपको बताना होगा। उसके बाद में मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 के। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि 1, 2, 3, 5, 7, 9 का अंकगणितीय माध्य कितना होगा। तो आपको पता होगा जब हम माध्य निकालते हैं तो राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट जैसे चाहो आप नोट लिख सकते हो। हमें जो भी डिजिट दी गई होती हैं हम उनको असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है। अब चूंकि हमारे पास आंकड़े आरोही क्रम में दिए गए हैं, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो दिए गए आंकड़ों की संख्या है वो सम है या विषम है। इसमें हमारे पास 6 संख्याएं दी गई हैं, तो 6 संख्याएं, इसका मतलब आंकड़े सम हैं। जब आंकड़े सम होते हैं तो मध्य की 2 संख्याओं को हम जोड़ते हैं। 3 का और 5 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 8। 8 को 2 से भाग करेंगे तो आंसर आएगा कितना हमारे पास 4। इसका ऑप्शन सही होगा ए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है आधार वर्ष में सूचकांक का मूल्य कितना होता है। तो आधार वर्ष में अगर सूचकांक के मूल्य की बात की जाए तो मूल्य जो रखा जाता है वो होता है हमारे पास 100। और हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। फिशर का सूत्र किस औसत पर आधारित है। तो फिशर का जो सूत्र है, ये जहाँ तक मेरा आइडिया है, अगर इसका आंसर होना चाहिए ए, लेकिन अगर आंसर इसका कुछ और है तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये ज़िम्मेदारी मेरे साथ आपकी भी बनती है। क्योंकि कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में डाउट भी क्रिएट हो जाता है। तो अगर जो भी आंसर इसका सही हो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल इसका जो आंसर होना चाहिए वो समांतर माध्य होना चाहिए। और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। और क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि कृषि क्रियाएं किस क्षेत्र से संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी जो एरिया होता है, सेक्टर होता है, प्राइमरी सेक्टर में शामिल किया जाता है कृषि वगैरह की जो प्रोसेस होती है, जो क्रियाएँ होती हैं। तो ये प्राथमिक इसका सही आंसर होगा। उसके बाद में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की कि भारत की प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी। तो भारत की प्रथम जो औद्योगिक नीति घोषित की गई थी वो की गई थी भाई 1948 में। और भारत में आर्थिक सुधार कब प्रारंभ किया गया था। तो भारत में आर्थिक सुधार की अगर बात की जाए तो 1991 में आर्थिक सुधार शुरू किया गया था। सवाल नंबर 10 जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, बोर्ड में भी पूछा जा सकता है। योजना आयोग के स्थान पर किस आयोग की स्थापना की गई। तो योजना आयोग को बदलकर हमने बनाया है नीति आयोग। उसके बाद बात करेंगे परिवहन किस प्रकार की आधारित संरचना का अंग है। तो देखिए, परिवहन से सरकार को इनकम होती है, इनकम होने की वजह से ये होना चाहिए हमारे पास आर्थिक क्षेत्र। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर पिन कीजिए। और उसके बाद में मैं आपको आपका जो आंसर होगा मैं उसको यानी कि लिंक के साथ पिन कर दूंगा। उसके बाद बात करते हैं, देखिएगा इसका जो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है इसका स्वरूप कैसा है।
पूंजीवादी है, समाजवादी है, मिश्रित है या फिर साम्राज्यवादी है। तो देखिए इसका आंसर आप सर्च कीजिए, गूगल से कीजिए, अपनी नोटबुक से कीजिए, अपनी नोट्स वगैरह में देखिए, और जो भी इसका सही आंसर हो वो आप टिक कर सकते हो। उसके बाद में बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 13 के। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा है आंकड़ों के प्रमुख स्रोत बताइए, और क्वेश्चन नंबर 14 कहता है सहसंबंध की परिभाषा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है कि जो मौजूदा रोज़गारी होती है उससे क्या आशय है, मतलब क्या होता है, आदमी को कुछ समय के लिए तो रोज़गार मिलता है, उसके बाद में रोज़गार से वो वंचित हो जाता है। जैसे फसल के समय में क्या होता है, मतलब जब किसी फसल की बुआई होती है तो लोगों को क्या होता है, रोज़गार मिल जाता है, लेकिन जब फसल बुब जाती है तो उसके बाद में क्या होता है, जो बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसमें वो लोग खाली रह जाते हैं, इसी को तो मौसमी बेरोज़गारी कहा जाता है। तो इसी की डेफिनेशन आपको लिखनी थी। बात करते हैं जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है इसकी अवधि कितनी थी। उसके बाद में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहते हैं सांख्यिकी की चार सीमाएं बताइए, सांख्यिकी की चार सीमाएं कौन कौन सी होती हैं। उसके बाद में बात कर रहा है कि चित्र में प्रदर्शन के चार गुण कौन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि जो सापेक्ष एवं निरपेक्ष परिक्षेपण होता है आप इसको किस तरीके से समझाएंगे, किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, तो ये आपको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद हम बात करेंगे भारतीय कृषि की, भारतीय कृषि उत्पादकता कम होने के कारण कौन कौन से हैं, क्या कारण है कि जो भारतीय कृषि है इसकी उत्पादकता कम हो रही है धीरे धीरे। ठीक, तो आप इस पर अपनी एक टिप्पणी, अपनी एक कहना चाहिए, अपनी एक्टिविटी को व्यक्त कीजिए, अपनी अपने विचार व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की भूमिका क्या है, मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है, क्या शिक्षा का स्तर अगर अच्छा होगा तो मानव पूंजी का निर्माण कर पाएगा या नहीं। तो आप इसके बारे में अपनी जो समझ है आप उसको बताइए, लिखिए। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि भारतीय निर्यातों को बढ़ाने के सुझाव कौन कौन से हैं, किन किन सुझावों के थ्रू हम भारत का जो निर्यात है यानी कि जो एक्सपोर्ट है, जो हम विदेशों को चीज़ें निर्यात करते हैं, जो हमारे देश में अधिक मात्रा में हमारे पास क्या है, उपलब्ध है, अवेलेबल है, वो हम विदेशों को भेजते हैं, तो इसको बढ़ाने का जो मतलब कहना चाहिए सुझाव हैं वो कौन कौन से सुझाव होंगे जिनके थ्रू इसको बढ़ावा दिया जा सकता है। ठीक, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम विदेशों से आयात भी करते हैं, तो इस पर आपको एक टिप्पणी देनी थी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 जो विस्तृत है, इसमें हमसे पूछा गया है कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, भारतीय अर्थव्यवस्था में सांख्यिकी का महत्व क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था में सांख्यिकी का महत्व क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है माध्यिका क्या है, माध्यिका के गुण व दोष कौन कौन से हैं ये बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 25 मैथमेटिकल है, आंकड़े दे रखे हैं, आवृत्ति दे रखी है, हमें बताना है समांतर माध्य किस तरीके से निकलेगा इसका, आप इसको क्वेश्चन को खुद से कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि जो जैविक खेती है, जैविक खेती किसे कहते हैं, यह पारंपरिक खेती से श्रेष्ठ किस प्रकार है। ठीक है, जो हमारी पारंपरिक खेती थी उससे किस प्रकार जैविक खेती श्रेष्ठ है, ये इस पर आपको टिप्पणी लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि भाई बेरोजगारी से क्या आशय है, और भारत में बेरोजगारी को दूर करने के लिए उपयुक्त सुझाव दीजिए, मतलब ऐसे कौन से काम हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसको बढ़ावा देकर हम बेरोजगारी को कम कर सकते हैं, बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने सुझाव, अपनी थॉट इसमें लिख सकते हैं। भारत में अपनाए गए आर्थिक सुधारों की चर्चा कीजिए, कौन कौन से आर्थिक सुधार भारत में अपनाए गए हैं उस पर आपको चर्चा करनी है। तो आई होप ये क्वेश्चन हमारे पास लघु विस्तृत प्रश्न थे, हमारे पास 23 से 28 तक 23-5-28 यानी कि 6 प्रश्न हैं हमारे पास, ये तो ये क्वेश्चन आपको करने थे। तो बस इतना ही था आज की वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो, साथ में ऑल पर क्लिक करके ऑल पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको समय समय पर मिलते रहें।